अब बात करते हैं फ्लू को रेकी से कैसे क्लियर कर सकते हैं, फ्लू को कैसे निकाल सकते हैं बॉडी से। जब भी मौसम चेंज होता है, यानी बरसात के मौसम में या सर्दी शुरू होती है, तो फ्लू फैलता है। फ्लू मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक पूरा सिर दर्द और बहुत बुरा हाल होता है। इसमें फीवर से बहुत शरीर तपता है, तो बहुत बेचैनी होती है। और ये जो वायरल है, ये यानी कि अगर एक को होगा तो सांस से दूसरों को भी फैलेगा ये। तो इसको रेकी से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा है, ताकि फ्लू आगे फैले नहीं और आप भी स्वस्थ रहें। तो इसका उपाय है, सबसे पहले दोनों हाथों में चौगुरे बनाइए, स्टेबलाइज किए, क्योंकि क्लियर करता है चौगुरे जो है, कोई भी इन्फेक्शन को या किसी चीज़ को भी क्लियर करता है। तो चौगुरे बना करके, रेकी को बुला करके और हाथ मल करके साइनस के पॉइंट्स पर हम हीलिंग करेंगे। साइनस यानी कि माथा, और यहाँ से यहाँ, और चीक बोन्स जो है, यहाँ पर पूरा कफ जमा हो जाता है, जिससे नाक में जमा हो जाता है बलगम, या फिर नाक बहती है और उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले रेकी को बुला करके हाथ थोड़ा सा रगड़ के, और रेकी हीलिंग एनर्जी को यहाँ पर हाथ रख करके, और यहाँ ये ऐसे, ये पूरा साइनस के पॉइंट सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और यहाँ रख करके रेकी हीलिंग दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, और 3 से 5 मिनट तक हीलिंग करते हुए बोलते रहिए। बोल करके या मन में कैसे भी बोल सकते हैं, रेकी को इंस्ट्रक्शन देनी है, एफर्मेशन देते हुए बोलिए, रेकी हीलिंग एनर्जी लगातार अपना काम कर रही है, और मेरे जितने भी बलगम जमा है, जितने भी सिर दर्द है, और फ्लू के जितने भी इन्फेक्शन हो गए हैं, या फ्लू का जो भी इन्फेक्शन हो गया है, और फ्लू के जितने भी जर्म्स आ गए हैं, वो सारे क्लियर कर रही है। इसके बाद 3 से 5 मिनट तक रेकी हीलिंग देते हुए, उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए यहाँ पर क्लियर कीजिए। और फिर उसके बाद एक हाथ थ्रोट चक्र पर आगे रखिए और दूसरा हाथ थ्रोट चक्र पर पीछे रखिए। इससे अगर जो बुखार है, इन्फेक्शन है, ये थ्रोट चक्र पूरा उसको निकाल देता है, ये बॉडी टेम्परेचर को पूरा स्थिर करता है, ठीक करता है, उसको बैलेंस करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ताकि बुखार तेज ना हो, या है तो वो निकल जाए। तो 3 से 5 मिनट तक थ्रोट चक्र पर रेकी हीलिंग एनर्जी दे करके, उसका ट्रीटमेंट दे करके, उसका हीलिंग देते हुए आप उपचार करें। और उसके बाद लंग्स पर रखिए, एक हाथ यहाँ कॉलर बोन पर इधर, और दूसरा हाथ इधर, ये पूरे लंग्स को कवर करेगा। और लंग्स में जमा हुआ जितना भी कफ है, कफ कोल्ड, जो भी ठंड लगती है वो, और जितना भी इन्फेक्शन जमा है फ्लू का, वो सारा का सारा निकालने की आप इन्फॉर्मेशन देते हुए रेकी हीलिंग कीजिए। और पूरा लंग्स ये क्लियर करेगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब क्लियर कर देगा। ये करते हुए आप फिर हार्ट चक्र पर लाइए, दोनों हाथ हार्ट पर रख करके, तो तब फिर हीलिंग कीजिए। क्योंकि हार्ट चक्र पर हीलिंग करेंगे तो इन्फेक्शन भी निकालता है ये, और सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी, और लंग्स को भी क्लियर करता है, इसमें डबल फायदा होगा। तो 3 से 5 मिनट तक यहाँ पे रेकी हीलिंग देते हुए, उसके बाद एक हाथ जो है आप यहाँ पर डाभी पर रखिए, सोलर प्लेक्सस पर, एक उसके ऊपर रखिए, यानी कि सोलर प्लेक्सस को कवर कीजिए। और 3 से 5 मिनट तक रेकी हीलिंग को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलिए कि रेकी हीलिंग एनर्जी लगातार अपना काम कर रही है, और मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, और फ्लू के सारे इन्फेक्शन को, बुखार को, शरीर दर्द को, पूरा का पूरा सोलर प्लेक्सस अपने नाभि से पूरा निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये बोलिए 3 से 5 मिनट तक, मन में बोल सकते हैं, बोल कर बोल सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होगा, इससे बॉडी जाएगा और इन्फेक्शन जाएगा और बुखार जाएगा। तो उसके बाद आप ये एक हाथ ग्रोन्स पर रखिए, दूसरे ग्रोन्स पर रखिए, ये मूलाधार चक्र है। पूरी हीलिंग करने के बाद अगर आप मूलाधार चक्र पर हीलिंग करते हैं, तो ये पूरी बॉडी को बैलेंस कर देता है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि पूरा इन्फेक्शन आपने सोलर प्लेक्सस से निकाल दिया, और उसके बाद वो इन्फेक्शन दोबारा ना आए, और बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहे, और पूरा बॉडी स्थिर रहे, मजबूत रहे। तो उसके लिए मूलाधार चक्र पर आप रेकी हीलिंग दीजिए, और उसके बाद यहीं पर एक हाथ से रख करके, एक हथेली से बनाइए चौकरे चौकरे चौकरे, स्थिर स्थिर स्थिर, फिर दूसरे हाथ से बोलिए चौकरे 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 बना करके, स्थिर स्थिर स्थिर, ऐसे बोलिए, और जो सारा इन्फेक्शन निकल करके और बॉडी पूरी ठीक हो जाएगी।